एक लेजेंड के हिसाब से एक जापानीज किंग अशिगागा योशीमासा ने एक बार अपना फेवरेट बोल तोड़ दिया था जो वो चाइना से लाए थे। उन्होंने फिर इस टूटे हुए बोल को वापस चाइना भेजा ताकि वहां पे उसको कारीगर फिर से रिपेयर कर पाए। अब जो चाइना से रिपेयर होने के बाद वापस आया तो वो शॉक थे उस बोल को फिर से देख के। जहां भी वो बोल टूटा था वहां पे उन्होंने बहुत ही गंदे मेटल स्टेपल्स लगा रखे थे और उस ओरिजिनल बोल की जितनी भी खूबसूरती थी वो चली गई थी। अब जितने भी कारीगर थे उस किंग के किंगडम में उनको एक चैलेंज दिया गया कि वो कैसे उस बोल को और खूबसूरत बना सकते हैं, और वहीं से किनसुगी का आइडिया पैदा हुआ। उन्होंने सारे टूटे हुए पीसेस को लेके एक ऐसे ग्लू से चिपकाया जिसके ऊपर गोल्डन पाउडर लगा हुआ था, और इससे वो नया पीस और ज़्यादा खूबसूरत हो गया कंपेयर टू जो ओरिजिनल पीस था। काफ़ी बार हम लोग भी अंदर से टूटा हुआ फील करते हैं, चाहे आपका दिल टूट गया हो या आपकी हिम्मत टूट गई हो, हम लोगों को लगता है कि हम लोगों के पास आगे कोई ऑप्शंस नहीं बचे हैं। ऐसा लगता है कि आप कुछ है ही नहीं जो हम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना नज़रिया बदल सकते हैं और जिन चीज़ों को आप अपने अंदर टूटा हुआ मानते हैं वो कैसे आपकी स्ट्रेंथ्स बन सकती हैं और आप अपनी ज़िंदगी को पहले से और ज़्यादा खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। काफ़ी सेंचुरी से जेन मास्टर एक आर्ग्यूमेंट डेवलप कर रहे हैं जिसमें वो बोलते हैं कि पॉट्स, कप्स और बोल्स जो टूट जाते हैं उनको हमको फेंक नहीं देना चाहिए। वो ये कहते हैं कि इन पीसेस को हमें और रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनकी तरफ और अटेंशन देना चाहिए और उनको हमको फिर से रिपेयर करना चाहिए और केयर के साथ। और ये प्रोसेस हमें सिखाता है कि हम कैसे फ्लॉज और एक्सीडेंट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं और कैसे हम लोग किसी चीज़ को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो किन सुगी वर्ड का ओरिजिन यहीं से हुआ है कि किन का मतलब होता है गोल्डन और सुगी का मतलब होता है दो चीज़ों को ज्वाइन करना, तो लिटरली इसका मतलब होता है टू ज्वाइन विद गोल्ड। तो जैन फिलॉसफी के हिसाब से कभी भी टूटे हुए पॉट को हमें फेंक नहीं देना चाहिए, हमें उसको फिर एक ऐसे ग्लू से ज्वाइन करना चाहिए जो गोल्डन दिखता हो, जिसकी वजह से वो पॉट और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। हमें बिल्कुल भी कोशिश नहीं चाहिए उन क्रैक्स को छुपाने की, जबकि हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि वही क्रैक्स अब इस पॉट को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। किनसुगी एक दूसरी जापानीज फिलॉसफी से आता है जिसका नाम है वाबी साबी, जिसका बेसिक मतलब होता है कि हमें अपना नज़रिया इस तरीके से बदलना चाहिए ताकि टूटी हुई और फ्लॉड चीज़ों के अंदर भी हम लोग खूबसूरती देख पाएँ। लेकिन आजकल हमारी सोसाइटी में एग्जैक्टली इसका उल्टा ही होता है। हम लोग के अंदर आजकल के मीडिया और सोशल मीडिया की वजह से ये आइडिया आ गया है कि जब तक हम लोग परफेक्ट नहीं बन जाते तब तक हम लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। काफ़ी लोग इस बात को मानते नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग खास करके जब वो यंग होते हैं वो ये सोचते हैं कि एक दिन वो बड़े होंगे और वो किसी ना किसी तरीके से एकदम परफेक्ट बन जाएंगे। एक बहुत ही शाय इंट्रोवर्टेड लड़का ये सोचता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसके बहुत ज़्यादा दोस्त होंगे और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा। एक ऐसा बच्चा जो किसी गरीब फैमिली में पैदा हुआ है वो सोचता है कि एक दिन मैं बड़ा होकर बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। किसी ना किसी लेवल पे कभी ना कभी हम सब लोग फील करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो हमारे साथ हुआ है उसने हमें किसी तरीके से डैमेज कर दिया है या हमें चोट पहुंचा दी है। अब ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ी हो जाती है उन लोगों के लिए जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बिलीव करते हैं। हम लोगों को जब ये पता चल जाता है कि अरे हाँ, माइंडसेट से मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकता हूँ, तो हम लोग ये सोचने लगते हैं कि जब तक मैंने अपनी ज़िंदगी का एक एक हिस्सा नहीं बदल लिया है, जब तक कि मेरी बॉडी आइडियल नहीं है, जब तक कि मेरी जॉब मेरे पसंद वाली नहीं है, जब तक कि मुझे रिलेशनशिप नहीं मिल जाता जैसा मुझे चाहिए, तब तक मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं बोलूँगा और तब तक मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। और तभी हम उसी कोशिश में फंसे रहते हैं हमेशा परफेक्ट बनने की। अब ये परफेक्शन की थीम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की दुनिया में। आप बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखेंगे जो आपके ऊपर चिल्लाएंगे और आपको बोलेंगे कि रात भर पढ़ाई किया करो, या वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलेंगे जो सुनने में अच्छी लगती हैं लेकिन काफ़ी बार काम नहीं करती हैं। और वो इसलिए क्योंकि बेसिक आइडिया काफ़ी लोगों का गलत होता है, वो परफेक्शन को एक आइडियल की तरह रखते हैं। लेकिन हमें असली में तो ये याद रखना होगा कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है और हम सब लोग किसी ना किसी तरीके से डैमेज होते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग हार मान जाएं कि अरे यार मैं तो डैमेज्ड हूँ और मैं अपने अंदर कुछ भी बदल नहीं सकता हूँ। मैं आपको कोई बहाना नहीं दे रहा हूँ जिसको आप लेके अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ें, लेकिन मेन पॉइंट मेरी बात का यह है कि आपको बदलना होगा कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। आप अपनी आइडियल सेल्फ को एक परफेक्ट बोल की जगह देखने के बजाय आपको अपनी आइडियल सेल्फ को एक किनसुगी वाले बोल की तरह देखना चाहिए कि हाँ, उसमें काफ़ी सारे क्रैक्स हैं और वो काफ़ी बार टूट चुका है, लेकिन वही क्रैक्स उस चीज़ को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। आपको अपने आप को बताने वाली कहानी बदलनी होगी। एक कहानी है वाबी साबी के एक फिलोसोफर के बारे में जिनका नाम था सेन नो रिक्यू। एक बार वो साउथ जापान में जर्नी कर रहे थे
और उनको डिनर के लिए इनवाइट किया एक होस्ट ने, जिसने सोचा था कि वो रिक्यू को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करेंगे अपने एंटीक टी जार से जो वो चाइना से लाए थे। लेकिन जब रिक्यू उस होस्ट के घर गए तो उन्होंने उस आइटम को नोटिस भी नहीं किया और उन्होंने अपना सारा टाइम बिता दिया एक ब्रांच से बात करते हुए जो पेड़ में हल्के हल्के लटक रहा था। और जब रिक्यू उस घर से चले गए तो वहाँ का जो होस्ट था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने उस टी जार को उठाया और उसने तोड़ दिया। लेकिन वहाँ पे जो बाकी गेस्ट थे उनको किनसुगी के बारे में पता था, उन्होंने सारे ब्रोकन पीसेस को कलेक्ट करके किनसुगी से उसको रिपेयर किया। अगली बार जब रिक्यू उसी सेम घर वापस आए तो उन्होंने उस किनसुगी वाले जार को देखा और उन्होंने स्माइल किया और उन्होंने बोला अब ये बिल्कुल खूबसूरत हो गया है। अब इस कहानी में जो होस्ट था उसको भी एक आइडिया था कि वो कैसे इस फेमस फिलोसोफर को इम्प्रेस करेगा अपने एंटीक जार को यूज़ करके। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि फिलोसोफर को उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि उसके लिए परफेक्शन इंटरेस्टिंग नहीं था। तो इसी होस्ट की तरह हम सब लोगों के दिमाग में भी एक कहानी रहती है कि हमारी परफेक्ट सिचुएशन क्या होगी, कि जब मैं क्लास में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स ले आऊँगा तो सारे लोग मुझे देखेंगे और फाइनली देख पाएंगे कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कहानी सच हो या ना हो, लेकिन काफ़ी बार हम लोग इन कहानियों से इतना अटैच हो जाते हैं कि हम लोगों को लगता है जब तक हमारी ज़िंदगी एकदम वैसी नहीं होगी तब तक हम लोग अपने आप को फेलियर मानते हैं। आपको अपने आप से पूछना होगा कि आप अपने दिमाग में अपने आप को कौन सी कहानी बताते हैं और क्या वो कहानी आपकी मदद कर रही है या आपका एक्चुअली नुकसान कर रही है। क्या वो कहानी है कम्प्लीट परफेक्शन की या वो कहानी है किनसुगी की। काफ़ी लोग परफेक्शन ट्रैप में फंस जाते हैं, वो वेट करते हैं परफेक्ट टीचर का कि वो आके उनको परफेक्ट चीज़ बताए, वो परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हैं किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, वो परफेक्ट वीडियो का वेट करते हैं कुछ सीखने के लिए। लेकिन लाइफ कभी भी इतनी सिंपल और परफेक्ट नहीं होती है। आप ये सिचुएशन इमेजिन करिए, मान लीजिए एक लड़का है जो एक एयरफोर्स पायलट बनना चाहता है, वो बहुत पास आ जाता है एयरफोर्स पायलट बनने के, लेकिन उसका लास्ट पॉइंट में इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता है। अब इस पॉइंट पे ये लड़का अपने आप को एक ऐसी कहानी बता सकता है कि अरे यार मैं कितना अनलकी हूँ, मैं कभी भी अपने सपने नहीं अचीव कर पाऊँगा पायलट बनने के। अब ये एक ऐसी कहानी जो उस लड़के का नुकसान करा रही है और शायद हम लोग इस लड़के के बारे में कभी सुनते नहीं। लेकिन अगर ये लड़का अपने आप को एक दूसरी कहानी बताए, एक ऐसी कहानी जिसमें वो स्ट्रगल करके और ग्रो करता है, एक ऐसी कहानी जिसमें इस सेटबैक की वजह से वो एक साइंटिस्ट बन जाता है, तो वो लड़का आगे जाके APJ अब्दुल कलाम बन जाता है। और ये एक ऐसी कहानी है जो उस लड़के की ही मदद नहीं, शायद वो पूरे कंट्री की मदद कर सकती है। तो होपफुली अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि किनसुगी का आइडिया क्यों इतना पावरफुल है। अब आप हो सकता है अपने आप से पूछ रहे हो कि चलो ये सब तो बढ़िया है, लेकिन इसको मैं अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। आपका ट्रांसफॉर्मेशन वहीं पर शुरू होता है जब आप इन क्रैक्स को अपने अंदर देखना शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से एक टूटे हुए पॉट के बहुत सारे क्रैक्स होते हैं, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में और हमारे प्लान्स में भी कई सारे क्रैक्स आ जाते हैं। मैं आपको एक बहुत ही रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। अभी जो पैंडेमिक चल रहा है उसने ज़्यादातर लोगों के प्लान्स चौपट कर दिए हैं। काफ़ी लोग अपनी ज़िंदगी में फंसा हुआ फील कर रहे हैं और उनके सारे प्लान्स बेकार हो गए। अब यही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है किनसुगी को प्रैक्टिस करने की। आप या तो इस चीज़ के बारे में रो सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी कितनी बेकार हो गई, या आप सोच सकते हैं कि आप इन क्रैक्स को गोल्ड में कैसे बदल सकते हैं। हो सकता है आपका प्लान हो किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने का, लेकिन आप इस साल नहीं जा पा रहे हैं, तो आप इसको एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं उस कंट्री की लैंग्वेज सीखने के लिए, ताकि जब आप अगले साल वहाँ जाएँ तो आप उस ट्रिप को और ज़्यादा इन्जॉय कर पाएँ। हो सकता है आप इस टाइम को यूज़ कर सकते हैं कोई नई हॉबी सीखने के लिए जिसमें आपका हमेशा इंटरेस्ट था लेकिन आपके पास टाइम नहीं था। तो पॉइंट ये कि काफ़ी लोग आगे जाके इस साल में सिर्फ क्रैक्स देख पाएंगे, वो सिर्फ उस टूटे हुए बोल को देख पाएंगे। लेकिन अगर आप अपना नज़रिया बदल लें और आप सोचें कि आप किस तरीके से इस साल को यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, तो आप इस पीरियड को उस टूटे हुए बोल की तरह नहीं, आप इस खूबसूरत बोल की तरह देख पाएंगे जिसको किनसुगी से रिपेयर किया गया है। मैं चाहता हूँ कि आप परफेक्शन का आइडिया अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दें। कोई भी प्लान या कोई भी ज़िंदगी कभी भी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हो सकती है। अब परफेक्शन की तरफ ट्राई करने में कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि उससे हमारे अंदर का टैलेंट और बाहर आता है। लेकिन आपके दिमाग के अंदर की कहानी कभी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जब मैं ये अचीव कर लूँगा तब मैं परफेक्ट बन जाऊँगा। कहानी आपके दिमाग में हमेशा किनसुगी वाली होनी चाहिए, जहाँ पे एक एक क्रैक आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताता है और वो सारी चीज़ें मिल के आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं। अब एक और जापानीज़ फिलोसफी जो फाइंडिंग योर पैशन के बारे में, जिसका नाम है इकिगाई, और उस पर मेरा वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह की सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।